सो हेलो एवरीवन गाइस, ये है अपोलो फिनवेस्ट के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर के रिज़ल्ट्स यहाँ पर कैसे आए हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड यहाँ पर 549.19 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 741.22 लाख यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, और टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 175.27 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 414.77 लाख हो गया है। यानी इनकम के साथ साथ शेयर के एक्सपेंस भी यहां पर इंक्रीज हुए हैं। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयरली बेसिस में 279.22 लाख है, अब जो है यहां पर क्वार्टरली बेसिस में 236 लाख यहाँ पर हो गया है। यानी कि कम हो गए हैं यहाँ पर जो है शेयर के प्रॉफिट्स और अर्निंग पर शेयर। ईयरली बेसिस में 7.47 रुपये था, जो क्वार्टरली बेसिस में 6.30 रुपये यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं, वैसे तो शेयर के रिजल्ट यहाँ पर इतने कुछ खास भी देखने को नहीं मिले हैं, और मैक्सिमम टारगेट इस मंथ तक का जो है 1000 रुपये के अराउंड तक तो वैसे देखने को मिल जाएगा। बस प्रॉफिट्स यहाँ पर जो है डिक्रीज़ हुए हैं शेयर के, और इस वजह से भी थोड़े शेयर के प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिला है। तो अगर आप चाहे तो इस शेयर को यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक के परस्पेक्टिव से भी होल्ड करना चाहे तो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं।